नमस्कार, मैं कल्पना भार्गव। वेलकम टू कला क्रिएशंस। आज मैं आपको अपना स्प्रिंग गार्डन टूर कराऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। अब गार्डन में एंट्री से पहले ये दो पिरामिड जो कि अफ्रीकन जेड से बनाए हुए हैं, और अब ईशान कोण में सबसे पहले ये तुलसी का पौधा जिसको एक परमानेंट प्लांटर की तरह मैंने इसको बना लिया है, और वाइट पेंट से इसको पेंट करके और वर्ली आर्ट से मैंने इस पर पेंटिंग कर ली है। तो ये सुंदर सा एक प्लांटर अपना बन गया है। अब इसके एक तरफ ये एलाइजम लगा हुआ है और दूसरी तरफ लाल गेंदा, और छोटी हाइट के लिए मैंने बर्बीना और फ्लॉक्स लिया है, और एक वाइट स्टोन से मैंने इस तरह रास्ता बना दिया है। और अभी पूरे गार्डन में एलाइजम का एक बॉर्डर दिया हुआ है जो कि स्नो की तरह भी दिखता है, और वाइट कलर बहुत ही सुंदर लगता है। अब यह है शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च जो मैंने लाल सब्जी के लिए जो हम लेके आते हैं उसी के बीज से ग्रो किया था, और ये है येलो शिमला मिर्च, इसको भी बाजार से मैंने मिर्च लाके उसी के बीज से इसको लगाया है। तो ये जो लाल और पीली होती है शिमला मिर्च, ये पहले तो हरी होती हैं उसके बाद ये पीली होती हैं, तो अभी धीरे धीरे पीली हो रही है। अब ये कुछ पिकॉक की टोपियारी है जेड प्लांट की, जिनको मैंने एक स्टैंड पे इसको रखा हुआ है, इसका वीडियो भी मैंने एक बार आपके साथ शेयर किया था। और यह है केव शेप की टोपियारी। इस केव शेप की टोपियारी भी मैंने आपके साथ एक बार वीडियो शेयर किया था इसका भी। अब ये वॉल के सहारे कुछ परमानेंट पौधे हैं, जैसे ये तो एडेनियम्स मैंने लगा रखे हैं दो एंगल लगा के, मार्बल के टुकड़ा रख के, और ये मोगरा है, इसमें गुडेल है, और रातरानी तो परमानेंट प्लांट्स लगा रखे हैं, और सीजनल में मैंने इसमें ये डहेलिया और ये गेंदा इस तरह लगा रखा है। अब ये जो एडेनियम्स, इस तरह अगर अपन पत्थर के ऊपर कोई भी प्लांट रखते हैं तो वो देखने में, एक तो ये होता है कि हमें जगह की कमी होती है, तो हम इस पत्थर के ऊपर इस तरह कोई भी स्लैब के ऊपर हम कुछ भी रख देते हैं, तो एक तो सफाई के लिए भी अच्छा है और ये जगह भी कम लेता है, तो वॉल भी अपने काम आ जाती है। अब ये है ब्रोकन पॉट, जो कि काफ़ी पुराना ब्रोकन पॉट है, और ये छोटा वाला ब्रोकन पॉट का भी मैंने DIY आपके साथ शेयर किया था, इसका लिंक भी मैं आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। अब ये फॉरेस्ट ट्रे गार्डन हमने बनाया था, इसका भी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये ट्रे भी हमने बनानी बताई थी, कैसे ये ट्रे को हम किसी भी ऑर्डिनरी पत्थर के ऊपर हम सीमेंट और से बना के इस ट्रे को हम बना सकते हैं। अब ये है एक काफ़ी बड़ा चीकू का पेड़ जिसमें खूब अच्छे चीकू भी आते हैं, और इसके नीचे कुछ हैंगिंग बास्केट लटका रखी हैं। अब ये कॉर्नर मैंने इस तरह थोड़ा सेंटर में बनाया हुआ है, जिसमें मैंने कुछ कोरल्स लगाए हुए हैं जो सीमेंट से मैंने इसको परमानेंट फिक्स कर दिया है। अब ये एक सुराई है जो काफ़ी पुरानी सुराई है, 30 ईयर्स पुरानी सुराई है, और इसमें पानी जैसे हम नॉर्मल सुराई में भरते हैं वैसे नहीं, इसको नीचे एक जो छेद होता है उसमें से हम इसमें पानी डालते हैं, जो चारों तरफ ये फैलता है। अब ये कुछ गेंदे, फ्लॉक्स और एलाइसम का बॉर्डर।
अब इस तरफ जो एक क्यारी बनी हुई है, ये एक सिंपल क्यारी नहीं है, इसमें दो तो सेमी सर्कल हैं और बीच में फुल सर्कल है जिसमें रोजेज लगा रखे हैं, और ये है डाइंथस और ये है टमाटर का जो वेरीगेटेड टमाटर का पौधा है, इसमें खूब अच्छे टमाटर आ रहे हैं, और ये है कनेर का नेट, मैंने बनाना बताया था आपको, इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब एक ये और कॉर्नर है जिसमें मैंने कुछ सकुलेंट्स की ट्रे और इस ये चुकंदर भी आगे लगा रखे हैं। ये कछुआ जो बनाया था हमने जेड प्लांट से, ये वो कछुआ है जो धीरे धीरे अच्छे से अभी थोड़ा ग्रीन हो रहा है, और ये है सकुलेंट ट्रे गार्डन, इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, और ये है हर्ट शेप की ये टोप्यारी। और ये एक दुरंटा की टोप्यारी है जिसमें छोटे छोटे अलग अलग शेप्स में बना के इसको सुंदर सा एक बना लिया है। अभी है ब्रोकली और इसके साथ लगी हुई है स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स, जिसमें खूब अच्छी स्ट्रॉबेरीज आई हैं इस बार, और ये प्लांट्स भी मेरे नेक्स्ट ईयर के सारे बचाए हुए प्लांट्स हैं, उन्हीं को मैंने ये पूरी क्यारी में फैलाया है, क्योंकि अब जब धूप आ जाती है गर्मी में, इसको हमें थोड़ा शेडी एरिया में रखना पड़ता है इन प्लांट्स को, फिर हमें वापस जब सेप्टेम्बर अक्टूबर का सीज़न स्टार्ट होता है तब हम इसको वापस जैसे जहाँ धूप अच्छी होती है जो साउथ फेसिंग है नॉर्थ फेसिंग में हम इसे लगा देते हैं। अब ये घर के पीछे बैकयार्ड में कुछ सब्जियां हैं, जैसे एक मीठा नीम का परमानेंट प्लांट है, कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स हैं, ये सीताफल है और ये टमाटर लगे हुए हैं। और जो ये आप लॉन देख रहे हैं, जो ये भी इसको भी लॉन को लगे हुए भी 25 साल से पुरानी हो गई है लॉन, इसमें सिर्फ मैं साल में दो बार खाद डालती हूँ, जब अक्टूबर में और मार्च में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कला क्रिएशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।